हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। मेरी दिवाली भी बहुत ऑसम रही थी। तो बस दिवाली के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इस वजह से व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है। आई नो थोड़ा सा लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। बट ये मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी धनतेरस के पहले की, धनतेरस की पूजा की एंड जो भी हमने गिफ्ट्स की शॉपिंग की, जो भी शॉपिंग वॉपिंग हुई, सब के मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। सो लेट्स गेट इनटू इट। एंड अभी क्या है ना, ये धनतेरस के एक दिन पहले का व्लॉग है जहाँ मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा तो साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ क्या हुआ था ना, करवा चौथ के नेक्स्ट डे ही मेरा विजडम टीथ का सर्जरी हुई थी। इन द सेंस मतलब माउथ में मेरे स्टिचेस लगे हुए थे। सो वन वीक का टोटल रेस्ट था मुझे, इस वजह से मैं इस बार दिवाली की साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं कर पाई। बट एट माई बेस्ट लेवल तो मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा गेट और विंडोज़ तो कर ही लेना चाहिए ना, क्योंकि धनतेरस की पूजा मैं सिंपल तरीके से जो भी अपने घर पे करती हूँ तो उसके लिए एटलीस्ट गेट और विंडोज़ तो साफ़ होनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था साफ़ सफाई इस बार, बिकॉज मेरी हालत ही, मेरी हेल्थ ही सही नहीं थी, क्योंकि विजडम टीथ निकला हुआ था और उस वजह से माउथ में स्टिचेस लगे हुए थे। तो जितना मुझसे हो पड़ा उतना मैंने किया, और किचन तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई। जितना थोड़ा बहुत मैंने साफ़ सफाई की, बस गेटेड साफ़ किए और गर्म कपड़े निकाले, गर्मी वाले कपड़े रख दिए थे, है ना। तो ये बस थोड़ा बहुत यही सब मैंने काम किया और बस छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई हैं, आप इन सबको इन्जॉय कीजिए। और ये धनतेरस के पहले वाला, धनतेरस के ए वन डे बिफोर का ये क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ मैंने बस ये गेट और विंडोज आधी साफ हो पाई थी, पूरे घर की भी नहीं हो पाई थी, बिकॉज इतने सारे गेट और विंडोज हैं, मैं थक गई थी इस वजह से। क्या है ना, तो मैंने आधी साफ के मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। और मैं आपको यहाँ पे टिप यहाँ ये देना चाहती हूँ कि जब भी आप क्रीम लगाएं, बिकॉज वी आर मॉम्स, हमको कभी स्पेशल टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, अपने स्किन केयर के लिए। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं, जो ना आपको इंस्टाग्राम पे रील्स दिखाई होती होगी कि आप ऐसे मसाज कर लीजिए, वैसे मसाज कर लीजिए। आई नो द एक्चुअल ट्रूथ कि हमको कभी टाइम नहीं मिलता मसाज करने का फेस पे एंड ऑयल मसाज करने का, ये सारा फलाना ढिमका, ये सब नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, वेन एवर यू अप्लाई द सनस्क्रीम और मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस, जब भी आप अप्लाई करें फेस पे, आप तभी तुरंत एक मिनट का टाइम निकालते हुए अपने उसी मॉइस्चराइजर से फेस पे मसाज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने फटाफट उसी टाइम दो मिनट अगर मेरे पास होते हैं, एक मिनट वरना वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि शिवाय को 12 बजे लेने जाना होता है और उसी के बीच ये ऑफिस जाते हैं, और शिवाय को लेने जाने से बीच में जो मेरे पास टाइम होता है उसी में मैं जो भी करती हूँ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो बस तभी मैंने फटाफट ये यहाँ पे एक मिनट मिला तो मैंने मसाज कर लिया। अब मैं ये यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेकेंड टिप ऑफ द डे किया है, जब भी आप ना फेस पे आपने क्रीम लगा ली, अब जो आपकी आईब्रोज और आईलैशेज़ है जिनकी ग्रोथ बहुत कम रहती है, जैसे मेरी ग्रोथ बहुत कम होती जा रही है आईलैशेज़ की और आईब्रोज़ की, तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा ड्रॉप लेती हूँ पैराशूट ऑयल का या आप कोकोनट ऑयल का, क्यों कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं हेयर मसाज के लिए वो आप ले लीजिए। उसके बाद ना आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, बस थोड़ा सा लगा लीजिए। अब यहाँ मुझे मेरी बिंदी नहीं मिल रही थी, मैं बिंदी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, जो मुझे कलर जो लगाना था आज वो मुझे नहीं मिले, तो वही मैं बिंदी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, बट बिंदी नहीं मिल रही थी मुझे। तो बाकी सब मैं तैयार हो चुकी थी, मैं अपनी बिंदी ढूंढ रही थी यहाँ पर। तो बस अब मैं निकलती हूँ शिवाय के लिए, और यहाँ मेरा ये सामान, ये जो आप देख रहे हैं ये मैस फैला हुआ, ये सभी मुझे साफ़ सफाई करके जाना है घर। तो जो मेरा एक टारगेट था ना छोटी छोटी साफ़ सफाई का, ये मुझे पूरा करना था, ये मैंने खुद से टारगेट लिया था कि मुझे साफ़ सफाई करके जाना है जो भी मैंने फैलाया हुआ है, भले मैं और ज़्यादा ना करूँ बट जो मेरा ये फैला हुआ है मैस वो तो मैं करके ही जाऊँ। तो यहाँ मैं शिवाय को स्कूल से लेके आ गई थी, और अब हम ये जहाँ हम लोग ना इसके एक दिन पहले ना शिल्प बाज़ार गए थे, और वहाँ से हमने ये अपने पॉट के लिए फ्लावर्स लिए थे जो हमको बहुत अच्छे लगे थे। मीन्स जो हमने थीम थोड़ी सी सोची हुई है कि ऐसा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जा रहे थे,
तो हमने ये फ्लॉर्स ले लिए थे। अब उसी को शिवाय कह रहा था मम्मा जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, तो मैंने सोचा अभी लगा देती हूँ वरना ये एक भी स्टिक नहीं रहने देगा, सही से सारी तोड़ देगा। तो उसी के सामने मैंने उसी से लगवा ली थोड़ी थोड़ी, तो उसका भी शौक पूरा हो गया और फाइनल मेरा एक काम और ने पड़ गया। जब मैंने फ्लावर पॉट लगाया तो हाँ थोड़ा सा वाइब्स आ रही थी दिवाली की, तो मैंने सोचा चलो वाई नॉट ये भी कर लिया जाए। और बस उसके बाद ये था एक्चुअल लुक। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बज रहे हैं 5:30 और बस फिर हम लोग रेस्ट करके हमेशा मल्टीटास्किंग करती है। सो यस, यहाँ पे मैं साफ सफाई कर रही हूँ।
और पूजा वूजा हो गई थी मेरी कंप्लीट। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो दिया जल रहा है। तो यहाँ मैंने सबके गिफ्ट्स कर लिए हैं पैक, और जो